हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ओट्स खाकर मतलब ओट्स की रेसिपी को किस तरीके से बनाकर आप जल्दी वजन बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप ओट्स को खाने के बाद अपना वजन घटा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कमेंट में आते हैं। मैंने दो वीडियो यूट्यूब पर ओट्स की बनाई हैं जिस पर कि लाखों में व्यूज हैं और उस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट इस टॉपिक के आ रहे थे कि ओट्स खाने से वजन बढ़ता है, वजन घटता है। तो मैंने उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई थी, फिर भी लोगों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रह गया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ओट्स को आपको किस तरीके से खाना है, कैसे बनाना है, जिससे कि आप वजन घटा सकें या वजन बढ़ा सकें। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर वजन बढ़ाना है तो भाई ज़्यादा खाना होगा, मतलब ज़्यादा कैलोरी बॉडी को देनी होगी। तो इसलिए अगर जब आपको वजन बढ़ाना होता है तो आप पूरे दिन में जो भी कुछ खा रहे हैं आपको देखना होगा आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं। उस टाइम पर अगर आप ओट्स खाते हैं तो ओट्स की रेसिपी को आप मिल्क में बनाइए, जिससे कि वो हाई कैलोरी का फूड बन जाएगा। अब दोस्तों हाई कैलोरी के आप मील लेंगे तभी आपकी कैलोरी कंप्लीट होगी और तभी आपका वेट गेन होगा। तो इसलिए हाई कैलोरी के मील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मिल्क में बनाइए उसे, साथ में उसमें आप कुछ और भी किशमिश, बादाम, छुआरे, खजूर, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई कैलोरी की रेसिपी बन जाएगी। पर दोस्तों अगर बात करें, जो लोग ये कहते हैं ओट्स खाने से वजन घट जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब आपको ओट्स की ऐसी रेसिपी बनानी होगी जिसमें कि बहुत ही कम कैलोरी हो। मतलब जब आपको अपना वेट घटाना है तो आपको अपनी बॉडी को कैलोरी कम देनी होगी और मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जिससे कि बॉडी को कैलोरी ज़्यादा चाहिए होगी। पर आप अगर उसे कम देंगे तो ऑटोमेटिकली वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों सीधा सा साइंस है, आप इसे समझ लीजिए वेट बढ़ाने के लिए या वेट घटाने के लिए। यहाँ पर आपको ओट्स की रेसिपी इस तरीके से बनानी होगी कि आप उसे मिल्क में ना बनाकर सिर्फ पानी में बना लीजिए और आपको अलग से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, मतलब किशमिश, बादाम, छुआरा, खजूर या और भी कुछ, काफ़ी कुछ आप बनाना भी उसमें ऐड कर सकते हैं वेट गेन के लिए। तो पर आपको ये वजन घटाने के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल आप ओट्स की रेसिपी बनाएं और उसे खा लीजिए। अब दोस्तों क्योंकि इससे कुछ देर के लिए आपका पेट भर जाएगा और इसमें कैलोरी काफ़ी कम रह जाएगी, क्योंकि आपने इसमें ना ही तो कुछ ऐड किया है, ना ही आपने मिल्क में इसे बनाया, सिर्फ आपने वाटर में बनाया, तो जो कैलोरी है वो सिर्फ ओट्स की है। तो दोस्तों अगर आपको वजन घटाना है तो आप ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिनसे कि आपकी कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो जाए और आप उसके बाद डाइट लीजिए वो जिसमें कि कैलोरी बहुत कम हो, तो वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे फॉलो कीजिए अगर वजन घटाना चाहते हैं। और दोस्तों वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ों को ऐड कर लीजिए। बहुत ही लगभग 1000 कैलोरी के आसपास का एक मील आपका बन जाएगा अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर लेंगे तो।